भक्ति करने के बाद जो आत्माएं निश्चय निश्चय में आती हैं, तो वो सूर्य जी आत्मा नहीं बन सकती। ऐसा कौन है जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है? निश्चय अर्थात दिन, अनिश्चय अर्थात रात्र। एक सूर्य है जो कभी भी अंधकार में नहीं आता है, और बाकी तो सभी सितारे कभी अंधकार में आते हैं, कभी दिन में आते हैं। हाँ, कोई कम अंधकार में आते हैं, ज्यादा निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं। कोई ज्यादा अंधकार में आते हैं, अभी अभी मृत्यु, अभी अभी जन्म। जैसे कि जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। ब्राह्मणों की दुनिया की ये बेहद की जन्म मृत्यु है क्या? निश्चय बुद्धि, बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि माना जन्म, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु। तो सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा की सोल। और सबसे कम जन्म मरण के चक्र में कौन आता है? है? सूर्य। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी पर दो ऐसे स्थान हैं जहां जब 6 महीने का दिन होता है तो थोड़े समय के लिए, जैसे कि अंधकार होना है, फिर सूर्य निकल आता है। तो उनको कहेंगे सूर्यवंशी। ज्यादा चक्र में नहीं आते हैं। ये चंद्रवंश और सूर्यवंश। चंद्रवंशी अर्थात रात, सूर्यवंशी अर्थात दिन। जो चंद्रमा को मानने वाले हैं भगवान बाप के रूप में साकार में, वो रात में कहें या दिन में कहें? जरूर कहेंगे रात में। और जो ज्ञान सूर्य को मानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनको कहेंगे दिन में। दोनों में नंबरवार हैं या नहीं है? दोनों में नंबरवार है। चंद्रवंशियों में पक्का चंद्र कौन है?
ब्रह्मा की सोल, आदि से लेकर के अब तक भी जो बड़ी की बड़ी भूल है वो बुद्धि में नहीं बैठती है। क्या गीता का साकार भगवान कौन? ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। और सूर्यवंशी बच्चों की बुद्धि में जल्दी बैठ जाती है। तो ये दो का चक्र है, इसलिए ब्रह्मा से वरदान मिलते हैं। किनको है? असुरों को वरदान मिलते हैं। वरदानों की गोद में असुर खेलते हैं। चंद्रवंश से पैदाइश होती है सभी धर्मों की। माँ है ना, जगत की माँ है या सिर्फ सूर्यवंशियों की माँ है? सारे जगत की माँ है। दाढ़ी मूछ वाली है तो ब्रह्मा का रूप है, स्त्री चोला धारण करती है वो ही आत्मा तो जगदम्बा है। जब जगदम्बा है तो सारे जगत की सब धर्म की आत्माएं उसकी गोद में खेलती हैं। वो कौन सा स्थान है जहां सब धर्मों ने राज्य किया है, गोद में अटखेलियां की हैं? खुद दिल्ली ही ऐसा स्थान है। जहां हर धर्म ने राज्य किया है, नहीं तो राजाई का वर्षा किसको मिलना चाहिए? राजयोगियों को मिलना चाहिए। राजभोग लगाने वालों को मिलना चाहिए है? त्यागियों तपस्वियों को मिलना चाहिए या भोगियों को मिलना चाहिए? लेकिन ड्रामा अनुदा हुआ है। सत्युग त्रेता में भी राजाई होती है और द्वापर कलयुग में भी राजाई होती है। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो भी विधर्मियों की चपेट में आ जाते हैं, अंधकार में आ जाते हैं, तो हिंसक बन जाते हैं या अहिंसक बने रहते हैं? हैं? हिंसक बन जाते हैं। जितना बड़े आदमी का बच्चा होगा कुसंग में आकर उतना ज्यादा खराब होगा या कम खराब होगा? ज्यादा खराब हो जाता है। और धर्म वाले इतने हिंसक नहीं बनते जितने सूर्यवंशी हिंसक बन जाते हैं। तो हिंसक राजाई में भी उनका नंबर आता है और अहिंसक राजाई में भी उनका नंबर आ जाता है। इसलिए मुरली में बोला, नई दुनिया तुम्हारी है तो पुरानी दुनिया तुम्हारी नहीं है क्या? नई दुनिया भी तुम्हारी है और पुरानी दुनिया भी तुम्हारी है। तो मुख्य वंश कितने हुए जिनका सृष्टि के आदि में बीजारोपण हुआ? दो वंश हैं, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश।
सूर्यवंशी हैं, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण देवताएं, और चंद्रवंशियों में कमी रह जाती है। इसलिए और धर्म की आत्माएं गोद में पनप जाती हैं। जैसे आजकल की माताएं बाप को सपोर्ट करती हैं बुढ़ापे में, या बच्चों को सपोर्ट करती हैं? है, बच्चों को सपोर्ट करती है। क्यों, किसको सपोर्ट करना चाहिए? बाप को ही सपोर्ट करना चाहिए। और बाबा गीता का भगवान श्री शंकर बोलना है, सच्ची गीता और झूठी गीता है, दो गीता बोली। जो सच्ची गीता वो लक्ष्मी वाला पाठ उसके लिए बोले हैं, सच्ची गीता छोटी मम्मी हाँ, वो है कहाँ अभी? वो भी तो झूठी बन गई है। वो सच्ची है क्या? उसको सच्ची कहें या झूठी कहें, क्या कहें? और जैसे मुरली में बोला है कि नाम जो है वो काम के आधार पर है, सिख धर्म का जो है गुरु नानक, तो नानक के नाम है जो दो नून है, दो नून है नानक, हाँ नानक है, तो दो नून है और दो नून के बीच अल्प है और आगे काफ है, ये चार अक्षरों को मिला के नानक बनता है। तो ये नानक नाम जो हो गया ये तो देह का हो गया है, ये नानक नाम जो होगा ये तो शरीर का हो गया ना, ये जो चार अक्षर है दो नून एक कल्प और काव, शरीर का कनेक्शन आत्मा से है या नहीं है? जो भी शरीर मिलता है वो आत्मा के कर्मों के आधार पर मिलता है या बिना आधार के ही मिल जाता है? जो भी शरीर का निर्माण होता है उसका आधार कौन है? किसके आधार? शरीर के कर्म, आत्मा के कर्म। तो आत्मा ही मूल कारण है, इसलिए आत्मा जो मूल कारण है उसने ऐसा शरीर धारण किया, जिस शरीर ने ऐसा कार्य करके दिखाया। क्या काम करके दिखाया? सच्चाई को मानने से ना नहीं किया, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है विधर्मियों के बीच में जो देवी देवता सनातन धर्म को मानने वाला हो, सब विरोध करने वाले हैं। राम कृष्ण और देवी देवताओं जैसे श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा सिख धर्म में ही है, दूसरे कोई धर्म में महिमा नहीं है। सन्यासी कहते हैं मुख से ओम नमो नारायण, विश्वास रखते हैं इस बात में, नारायण की दुनिया में जाना चाहते हैं? नहीं, कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान, निराकार को मानेंगे, देवताओं को उतनी प्रधानता नहीं देते। एक सिख धर्म ही ऐसा है जिसने देवी देवता सनातन धर्म के मुख्य गुण को अपनाया, प्योरिटी। कलयुग के अंत में इतनी प्योरिटी कोई अपना ले तो भी बहुत बड़ी बात। कितनी? एक नारी सदा ब्रह्मचारी, सारे ही व्यभिचारी हो जाते हैं,
हर धर्म में व्यभिचार घुस जाता है। और बाबा अब मुरली बोला जा रहा है कि शरीर स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म होगा, स्वर्ग में मरेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म होगा और नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेगा। अभी जैसे अभी स्वर्ग के लिए अपनाएंगे कि नहीं, अभी एनएस का जन्म लेंगे। एनएस क्या स्वर्ग है? यह स्वर्ग का फाउंडेशन है, फाउंडेशन को स्वर्ग नहीं कहा जाता है। जो स्वर्ग है वहाँ कोई परीक्षा होगी क्या? कि परीक्षा को क्रॉस किए हुए वहाँ होंगे। जो एनएस में हैं, काशी नगरी में हैं, उनको परीक्षा देनी है कि नहीं देनी है? उनकी फाइनल परीक्षा हो गई नहीं? उनको भी फाइनल परीक्षा से पास होना है। दादा लेखराज की जब 100 साल की आयु हो जाती है, दादा लेखराज की 100 साल की आयु नहीं कहेंगे, किसकी कहेंगे? ब्रह्मा की। दादा लेखराज के साथ ब्रह्मा शब्द लगाना जरूरी है। माना दादा लेखराज के नाम से जो ब्रह्मा की सोल है वो ब्रह्मा नाम कब से पड़ता है? हैं? जोर से बोलो। 1950 में है? पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 10-15 पेज लिखते थे, बाप लिखाते थे। जब मुरली चलाना शुरू की तब पता चला इनमें बाप भगवान है। तो कब पता चला? हाँ, सन 47 में ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने की बात शुरू हुई, क्योंकि 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान में कोई ब्रह्मा को मानता है क्या? ब्रह्मा को तो कोई मानता नहीं। यहाँ तो बात नहीं चलेगी, तो कहाँ ट्रांसफर हो जाना चाहिए? भारत में ट्रांसफर हो जाओ। तो सन 47 में दिलों के अंदर जो भी ब्राह्मण वहां मौजूद थे यज्ञ में, उनकी बुद्धि में आया कि ये ब्रह्मा का पार्ट है। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते हैं तो पहले तो लिखा हुआ पढ़ करके सुनाते थे, बाद में बाबा ने वाणी चलाना डायरेक्ट शुरू कर दिया। माना सन 47 से पहले मुरली नहीं चलाते थे, कब से चलाना शुरू किया? सन 47 से मुरली चलाना शुरू किया, तो तभी प्रवेश हुआ होगा किसमें? दादा लेखराज ब्रह्मा में। प्रवेश कौन सी अवस्था में होता है? वानप्रस्थ अवस्था। उस समय उनकी 60 साल एज थी, 60 साल में कितने साल और जोड़ें जो ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी हो जाए? 40 साल जोड़ें तो कब हुआ है? 87-88 का एक साल ऐसा है जबकि गुलजार दादी में कोई वाणी सीजन में नहीं चलाई गई। ब्रह्मा की सोल ने सारी ताकत कहां लगा दी? सारी ताकत पूरे वर्ष एडवांस पार्टी में लगा दी। और दक्षिण भारत से जो आत्माएं निमित्त बनने के लिए निकलनी थी वो कन्याएं निकल आई।
बिन फेरे हम तेरे, ये बड़ी बात हो गई। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारियों, ब्रह्मा कुमारों के दिल में बिजली सी कौंध गई, ये क्या हुआ? तो उस कार्य में मुख्य निमित्त ब्रह्मा कुमारी किसको कहें? हैं? 87-88 में जो भी ब्रह्मा कुमारियां तैयार हुई, उन ब्रह्मा कुमारियों में मुख्य ब्रह्मा कुमारी किसको कहें? जगदम्बा को कहें। जब तक जगदम्बा की बुद्धि में ये बात न बैठे कि ये भगवान बाप है, तब तक औरों की बुद्धि में बैठ जाएगा क्या? हैं? नहीं बैठेगा। तो जगदम्बा की बुद्धि में पहले बैठा कि बाप आया हुआ है। साथ साथ और कन्याएं जो आई उनकी बुद्धि में भी बैठा कि बाप आया हुआ है। इसका प्रूफ ये है कि 87-88 से पहले बड़ी मम्मा बाबा को भाई साहब बोलती थी। क्या बोलती थी? भाई साहब। बाद में बाबा शब्द यूज होने लगा। तो ये बाप की पहचान, ये जो बाप की पहचान है, ये इस बाप की निशानी है। क्या? कि 87-88 के बाद जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल ने प्रवेश किया, नहीं तो 83 में तो सरेंडर हुई। जो बोला गया 83 में 13 होना चाहिए, तो क्या 83 से पहले कोई 13 नहीं हुआ था? कोई ब्रह्मा कुमारी तेरी नहीं हुई? हैं? हुई थी। फिर कहा क्यों? 87 है तो 83 में 13 होना चाहिए ना, कोई तेरी नहीं हुई। तेरी माने किसकी? अम्मा की कि बाप की? ये भी बोला कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई, क्या उससे पहले कोई आगे नहीं गई? है? चंद्रमणि दादी तो कितने साल पहले निकल चुकी थी? नहीं निकली थी? हाँ, मतलब बाप को नहीं पहचाना, बाप की बनी नहीं। और ब्रह्मा कुमारियां जो हैं वो बाप की नहीं बनी, अम्मा की तो बनी। जो बाप की बनी वो पहली ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा, जिसकी मूर्ति की पूजा होती है, वो ही जगदम्बा 83 के बाद 87-88 में बाप की पूरी पहचान प्राप्त कर लेती है। बाप को पहचाना तो दूसरी आत्माओं को भी संबल मिला, एक संगठन तैयार हो गया। तो कहेंगे कि ब्रह्मा ने 100 साल पूरे होने के बाद कोई माता में प्रवेश कर लिया, और
बाबा जैसे गुरुद्वारा होता है उसने सबसे पहले बाप के आगे संगत किया और सबसे पहले बाप को पहचाना और बाप से इतना क्लोज का रिश्ता उसने कायम किया और फिर भी बाप ने छोड़ दी क्यों? बाप ने छोड़ दी क्यों? इसीलिए तो बाबा ने कहा है कि बाप के साथ रहने वाले बाप को नहीं पहचान पाते। सबसे ज्यादा साथ किसने निभाया? सबसे ज्यादा नजदीकी संबंध किसने जोड़ा? जगदम्बा से ज्यादा नजदीकी संबंध न कोई ने जोड़ा और न भविष्य में जोड़ने की संभावना है। संबंध शरीर के आधार पर बनते हैं या सिर्फ आत्मा के आधार पर बनते हैं? शरीर के आधार पर संबंध बनते हैं। तो सर्व संबंधों की बाजी जो जगदम्बा ने लगाई वो बाजी और किसी ने नहीं लगाई। तब बाप ने मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। बाप जड़ बुद्धि है या मां जड़ बुद्धि? बाप में देह अभिमान या मां में देहभान? मां में देहभान होते हैं। प्रकृति और पुरुष ये दो मुख्य हैं। पुरुष है बाप, प्रकृति है माता। तो प्रकृति का पार्ट किसका है? पांच तत्वों की अधिष्ठात्री माता, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इन पांचों तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। वो पृथ्वी का पार्ट किसका है जिससे चंद्रमा की पैदाइश हुई? चंद्रमा कहां से निकला? पृथ्वी आज से 2500 वर्ष पूर्व जब डावाडोल हुई, भूकंप आए, तो प्रशांत महासागर का एक बड़ा हिस्सा टूट करके चंद्रमा बन गया, पृथ्वी का उपग्रह बन गया। बच्चा किसके आसपास घूमता है? मां के आसपास घूमता है। तो चंद्रमा तो बच्चा है, उसकी मां कौन है? पृथ्वी है, जगदम्बा है, वो मुख्य तत्व है। वो ऐसा मुख्य तत्व है जिसमें पांचों तत्व जास्ती से जास्ती तादाद में समाये हुए। पांच तत्वों में और कोई तत्व ऐसा नहीं है जिसमें पांचों तत्वों की प्रधानता हो। जैसे दिल्ली एक ऐसी नगरी है जिसमें दुनिया के सब मुख्य धर्मों की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में समाई हुई है। हिंदुओं की भी वहां बहुतायत है, क्रिश्चियंस की भी वहां बहुतायत है, मुसलमानों की भी वहां बहुतायत, सिखों की भी बहुतायत है। तो पृथ्वी माता कहो, प्रकृति माता कहो, वो प्रकृति माता, प्रकृति जड़त्वमयी है या चैतन्य आत्मा कहें? पृथ्वी के पांचों तत्व जड़ होते हैं या चैतन्य होते हैं? जड़ होते हैं। ये जड़त्वमयी बुद्धि बाप को पहचानेगी या चैतन्य बुद्धि वाले बच्चे बाप को पहचानेंगे? जिनकी बुद्धि चैतन्य है वो बाप को पहचानेंगे। तो जगदम्बा से ही भूल होती है जो बाप को नहीं पहचान पाती।
और जैसे अंबा जो है वो सभी जनपति अंबा स्वदेशियों के भी अंबा है और विदेशियों की भी अंबा है, तो स्वदेशियों को छोड़ के वो विदेशी बच्चों के बायोलॉजी में कैसे चले जाते हैं? माँ देखती है कि मेरा छोटा बच्चा या मझला बच्चा बहुत ऊंचे पद पे दुनिया के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, ऊंचे तबके में बैठा हुआ है, बाकी सब नीचे तबके में है दुनियावीन धूल चाट रहे हैं, तो माँ किसके सपोर्ट में आएगी? बड़ा है जो रुतबे में बड़ा है, तो द्वापर कलयुग की दुनिया में आकर के जगदम्बा माँ के लिए बड़ा रुतबा किसका दिखाई देता है? विदेशियों का। बाप तो गुप्त बन करके आता है, साधारण तन में आता है। जैसे भारत का जो मुख्य वो कश्मीर की गाय है, भारत का जो मुख्य है वो जम्मू कश्मीर कश्मीर को कहा जाता है सर जो है, तो बाबा उस पर जो है विदेशी आत्माओं का जो मतलब पराज है इस टाइम का जो सनातन धर्म का कोई गाय नहीं है वहां पर, तो बाबा उनकी जो विचारधारा वो कैसे बदल गई, कैसे बदल गई? अरे जो सतो प्रधान था जम्बू द्वीप, पहले भारत का नाम क्या था, इस द्वीप का नाम क्या था? जम्मू द्वीप। वो सतो प्रधान था या तमो प्रधान था? है सतो प्रधान था। फिर चार अवस्थाओं से पसार होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर कोई कहे कि नहीं होगा तो चार अवस्थाओं से पसार होने वाली बात को जानता ही नहीं कि दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, जम्मू द्वीप भी, और उसका जो मुख्य स्थान जम्मू कश्मीर है वो भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। उसमें भी जम्मू का माथा कौन है? है कश्मीर, वहां किसका वर्चस्व होना चाहिए, विदेशियों का या स्वदेशियों का? स्वदेशियों का वर्चस्व है तमो प्रधान होने पर, विदेशियों का वर्चस्व है, तो नई बात क्या है इसमें? पहले तो कश्मीर के ब्राह्मण तो प्रसिद्ध हैं। जो था वो भी तो हिंदू राजा था। हाँ जी। साइंटिस्ट से जो सुनामी की खबरें दे रहे हैं, वैज्ञानिक जो है के सारे नासा के सूरज से सुनामी आने की खबर दे रहे हैं। कौन से सन में सुनामी आने वाली? 2012 2012 में तो माया सभ्यता की एक कैसेट भी तो निकली है। वो कैसेट जो दिखाते हैं लोग, उसको फॉलो करने वाले लोग, वो भी तो उनका भी तो यही कहना है कि 2012 में परिवर्तन हो जाएगा। वैज्ञानिक जो है वो लेकर के इसको प्रमाणित कर रहे हैं कि ये सुनामी आनी है। उसका उन्होंने 2012 में जुलाई महीने के आसपास या लेटेस्ट जो है वो जुलाई 2013 में तक आएगी, फिक्स रहेगी। उसका ज्ञान सूर्य के साथ क्या संबंध है? सो माने क्या और नामी माने क्या? सो माने सुंदर, नामी माने नाम वाला। ज्यादा से ज्यादा नाम वाला किसका होता है?
दुनिया में इतने धर्म हैं, दुनिया के पूरे चक्र में 84 के चक्र में सबसे जास्ती नाम वाला किसका होता है और कब होता है? है? अरे देवी देवता सनातन धर्म का नाम वाला होता है और देवी देवता सनातन धर्म का जो अधिष्ठाता है सनत कुमार वो नाम वाला करने के निमित्त बनता है, वो ही तो ज्ञान सूर्य है। और आज की मुरली में ही बताया बाप किस लिए आते हैं, हाँ रात को दिन करने, हाँ रात को दिन करने के लिए तो आते हैं, लेकिन दुनिया वालों को वो दिन दिखाई पड़ता है या हम बच्चों को दिन दिखाई पड़ता है कि सतयुग आने वाला है, दिन आने वाला है? है? हम थोड़े से बच्चों, मुट्ठी भर बच्चों को तो दिन दिखाई पड़ता है, बाकी दुनिया को रात विनाश दिखाई पड़ता है, वो उन्हें विनाश ही विनाश दिखाई पड़ रहा है। तो बाप आते हैं विनाश कराने के लिए, उस बाप की तो आंख बंद ही बनी रहे, सोई बढ़िया, अगर तीसरी आंख खुल गई तो सुनामी आ जाएगी। बारह साल का क्या कनेक्शन? अरे ज्ञान की बात से बारह में ही क्यों, पंद्रह में हो जाए, अठारह में हो जाए, 2010 में हो जाए, 12 का ही कनेक्शन क्यों डाल रहे हैं? इसका भी कोई हिसाब होगा या नहीं होगा? है? 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 2012 में ही क्यों कहा? क्यों कहा 2012 में? इसका ब्राह्मणों की दुनिया से क्या कनेक्शन? वो कनेक्शन साबित करेंगे तभी तो सुनामी साबित होगा। कनेक्शन है, पांडव कितने वर्ष के बाद प्रत्यक्ष हुए? 13 वर्ष के बाद। जो संगमयुगी कृष्ण है वो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है या नहीं है? हैं? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के दो जन्म होते हैं या एक जन्म होता है? हैं? दो जन्म होते हैं, एक जन्म पहला कहते हैं जेल में हुआ, कहाँ हुआ? जेल में जन्म हुआ। जन्म माने क्या ब्राह्मणों की भाषा में? प्रत्यक्षता। कब हुई? है 98 99। तो जो 99 का टाइम है उस समय कृष्ण जन्म अगर कहा जाए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी का दिन और जेल में से बाहर निकलना, तो कृष्ण जन्म होगा तो बिजली सी कौंध जाएगी या नहीं कौंधेगी? तो ब्राह्मणों की दुनिया में बिजली सी कौंध गई, वो रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण तो समझते थे कि हमने जीत पाली एवरलास्टिंग, अब एडवांस पार्टी शंकर पार्टी गई, अब इसे गड्ढे में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 99 में वो प्रत्यक्षता हो गई,
जन्म हो गया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने से 12-13 वर्ष गिन लीजिए, क्योंकि अव्यक्त वाणी में उसी समय बोला गया है, दुनिया वालों की नजरों में बाप गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। 98 दिन तक तो कोई बात ही नहीं थी गुप्त होने की, एक ही जगह बैठे हुए थे। 98 के बाद किसी को पता नहीं चला, अखबार वालों को भी पता नहीं है, कोर्ट कचहरी वालों को भी पता नहीं है, पुलिस वालों को भी, प्रशासन को भी पता नहीं है, तथाकथित अधूरे ब्राह्मणों को भी पता नहीं है कि बाप कहां पार्ट बजा रहा है। तो गुप्त हो गया या प्रत्यक्ष हुआ? ये गुप्त वास कितने साल का? 12-13 साल का। रामायण में जो बात आई है वनवास की, वो कितने साल का वनवास की बात आई है? 14 साल की। तो ये सारी बातें यहां लागू होती है, 2012 और उधर 98 कि 12-14 वर्ष का टाइम जो है वो गुप्तवास का है। जो गुप्त है वो गुप्त ही बना रहेगा, या प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा, प्रत्यक्ष भी होगा। सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, तो पहले पहले किरणें धीमी होती है या तीक्ष्ण होती है? पहले तो धीमी होती है, बाद में तीक्ष्णतर होती चली जाती है। तो जब तीक्ष्णता आती है तब प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता वर्ष कभी मनाया गया है? कौन सा? 76। माना 76 से पहले जो ब्राह्मण ज्ञान सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होना था वो धीमी ज्ञान की किरणें फेंकने वाला था या तीक्ष्ण किरणें फेंकने वाला था? धीमी किरणें थी, धीरे धीरे तीक्ष्णतर होता जाता है। तो वो प्रत्यक्षता की शुरुआत है 76, वो भी सबके लिए नहीं है, थोड़ी थोड़ी आत्माएं ऐड होती जाती है। वो है आदि प्रत्यक्षता की और ये है प्रत्यक्षता का अंत। वो भी 5-year प्लान था। क्या? वो भी बाप का 5-year प्लान था बैगर टू प्रिंस बनने का। ये भी 5-year प्लान है। आखिरी 2012 से 5 वर्ष ऐड कर लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17 समझ लो है। हाँ जी, और इसका नाम दिया है सुनामी, कुनामी नहीं, नाम बदनाम करने वाला नहीं। कैसा नामी? कहते हैं ना नामी ग्रामी है, तो उसका नाम दिया है सुनामी। और वर्ष तक कोई आदमी बिना खाए पिए बिना मल मूत्र त्याग किए अगर जीता है तो उसका देह में क्या है? 60-70 वर्ष तक कोई इंसान बिना खाए पिए
हाँ ना पानी ना कोई खाना हाँ और ना मर्द उधर का प्यार है हाँ तो उसका बेहद में प्यार है श्वास लेता है या नहीं एक तत्व तो है कि नहीं और श्वास के साथ साथ आकाश भी है या नहीं और श्वास में गर्मी और सर्दी भी समाई हुई है या नहीं अग्नि तत्व तो है या नहीं एक तत्व में पांचों ही तत्व तो समाये हुए होते हैं क्या कहा एक तत्व में पांचों ही तत्व समाये हुए होते हैं कहीं ज्यादा या कहीं कम तो अगर श्वास प्रश्वास भी ले रहा है तो भी जीवित रहने की संभावना है और ब्राह्मण बच्चों की ऐसी भी स्टेज बनेगी ऐसी भी याद की स्टेज बनेगी सूक्ष्म याद का वाइब्रेशन बन जाएगा कि श्वास प्रश्वास की गति बहुत धीमी हो जाएगी जो अभी भोजन ज्यादा खाते हैं वो भोगी की निशानी है जितना जितना योग बल बढ़ता जाएगा भोजन कम होता जाएगा निद्रा कम होती जाएगी कंपिल में एक कन्या में ऐसी प्रेत आत्मा ने प्रवेश किया तो 10-15 दिन तक यूं ही बैठी रही न टट्टी न पेशाब न खाना न पीना न आराम और हट्टी कट्टी लाल टमाटर जैसी ऐसी सोल प्रवेश कर सकती है तो क्या परम नाम से आने वाली कोई ऐसी सोल नहीं प्रवेश कर सकती किसी में कर सकती है ये योग की प्रक्रियाएं ये आसन ये प्राणायाम क्या 2500 वर्ष पहले ऋषि मुनि नहीं सिखाते थे सिखाते थे या नहीं सिखाते थे सिखाते थे अभी एक ऐसी आत्मा आ गई उसका नाम एकदम सारे भारत में बाला हो गया विश्व लेवल में पहुंच गई है तो कलयुगी आत्मा है या द्वापर युगी आत्मा है कलयुग में उतरने वाली आत्मा है वो इतना नाम बाला कर सकती है तो कोई ऐसी भी आत्मा ऊपर से नीचे उतर सकती है जो सिर्फ हवा के बल पर अपने जीवन जी सके परंतु अपने वाइब्रेशन को स्वर्गीय वाइब्रेशन बना ले ये नहीं हो सकता माना गया है हाँ जी शंकर के गले में विष है विष है तो ऐसी वाणी बोलता है जो गूंजी विनाश की वाणी सारी दुनिया का विनाश कराए देता है क्रांति कराए देता है ऐसा विष भरा हुआ है जो सब धर्मों की बातों का खंडन कर देता है दुनियावी लोगों के लिए दुनियावी धर्मों के लिए धर्म के फॉलोअर्स के लिए विधर्मियों के लिए उसकी वाणी विष के समान लगती है ये वाणी कहां से निकलती है पेट में से निकलती है गले में से निकलती है तो गले में विष दिखाई दिया है वो स्थूल विष की बात थोड़ी है
उसके गले में तो विष भरा हुआ है और इसके गले में अमृत भरा हुआ है, रिजल्ट कुछ भी नहीं। अमृत भरा हुआ है तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए ना। बाप की वाणी में विष भरा हुआ है तो सब विधर्मियों का विनाश करा देगी वो वाणी, सबका खंडन कर देती है, एक सद्धर्म की स्थापना हो जाती है। गले में अमृत भरा हुआ है तो स्थापना की प्रत्यक्षता करनी चाहिए। स्थापना करने वाली वाणी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा के मुख में से विष निकला या अमृत निकला, क्या निकला है? ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी निकली वो वाणी अमृतमय है या विषैली है? अमृतमय है, सबको मीठी लगती है, मुरली की तान है। तो कहेंगे ब्रह्मा के गले में अमृत है या विष है? अमृत है। और सार में टिकने से शक्ति प्राप्त होती है, तो फिर आप ही बताइए वेद में हम क्या करें? अरे बाबा जो भी ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान का सार अंत में क्या रह जाता है? मैं आत्मा, ज्योति बिंदु। देवताओं को क्या याद रहेगा? आत्मा, ज्योति बिंदु। तो उस याद में टिक जाओ तो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब पेट साफ नहीं होता है तो त्रिफला चूर्ण दिया जाता है, इसका बेहद का अर्थ क्या है? अरे तीन फल हैं, तीन गुणों वाले हैं, वात, पित्त और कफ, ये त्रिदेव हैं, ये भी तीन गुणों वाले हैं। ब्रह्मा का ज्ञान अलग, शंकर का ज्ञान अलग और विष्णु का अलग, और तीनों को ही मिक्स करके जो चूर्ण बनेगा ज्ञान का वो विष्णु बांटेगा, लक्ष्मी बांटेगी ना, तो बुद्धि साफ होगी या बुद्धि खराब होगी? बुद्धि साफ हो जाएगी। अच्छा, ये तो वही बात है। बाबा काशी में एक शिवलिंग है जिसका नाम तिलबंधेश्वर है, वो हर साल एक एक तिल के बराबर बढ़ता रहता है, तो बाबा इसका वेद का अर्थ क्या है? तिलबंधेश्वर का अर्थ क्या हुआ? तिल तिल करके बांधने वाला ईश्वर। पुरुषार्थ धीरे धीरे किया जाता है या एकदम हो जाता है?
धीरे धीरे किया जाता है। ये ड्रामा जू मिसल चलता है। बाबा भी कहते हैं तुमने एक बार बिंदी को याद किया, वो बिंदी को याद करने का पुरुषार्थ तुम्हारा ऐड हो जाता है। तो ये तिल तिल करके आगे बढ़ने वाली बात है ना, लेकिन बीच में अनिश्चय बुद्धि नहीं होना चाहिए। जैसे कछुआ और खरगोश की दौड़ दिखाते हैं, खरगोश दौड़ते दौड़ते सो जाता है झाड़ी में, तो लंबे टाइम तक सोता ही रहता है, और कछुआ लगातार चलता ही रहता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो जीत किसकी होती है? कछुए की जीत हो जाती है। ऐसे ही भल तिल तिल करके पुरुषार्थ किया जाए, लेकिन लगातार निश्चय बुद्धि होकर किया जाए। क्या? हाँ, लगातार चढ़ना हो, उतरना न हो, तो आत्मा संपन्न बन जाएगी। उसी की यादगार में वहां काशी विश्वनाथ में एक तिल बंदेश्वर नाम का शिवलिंग भी है। विनाश होने के 6 महीने पहले जो आत्मा शरीर छोड़ते हैं, तो जन्म लेने के बाद 6 महीने की होगी। अरे मान लो सन 36 में विनाश होना है, और 36 में विनाश होने से 6 महीने पहले किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो ये भी तो हो सकता है कि वो शरीर छोड़ने वाली आत्मा चंद्रवंशी ब्रह्मा के कुल की हो, तो जन्म लेगी नहीं लेगी? वो तो प्रवेश करेगी कोई न कोई में, वो तो कर सकती है। हाँ, कोई आत्मा ऐसी हो सकती है जो सूर्यवंशी कुल की हो, लास्ट में जाकर के 6 महीने पहले शरीर छोड़े, तो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतन में निवास कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है। तीसरे प्रकार की वो आत्मा हो सकती है जिसने संगम युग में कभी ज्ञान लिया ही नहीं, और विनाश होने से 6 महीने पहले शरीर छोड़ दे। तो हाय हाय करके शरीर छोड़ेगी या जय जयकार करके शरीर छोड़ेगी? हाय हाय करके शरीर छोड़ेगी। अकाले मौत होगी, रहेगी तो सूक्ष्म वतन में, लेकिन परमधाम से वापस कब आएगी? है कब? तमोप्रधान स्टेज में शरीर छोड़ा है तो तमोप्रधान युग में जन्म लेगी या सतयुग में आवेगी? तमोप्रधान। तो जैसी आत्मा वैसा उसका रिजल्ट होगा। है सन 36 की बात बताई, सन 36 में 100 साल संगम के पूरे होंगे ना, तो टोटल विनाश होने से 6 महीने पहले कोई शरीर छोड़े तो वो आत्माओं की कैटेगरी अलग अलग होगी ना कि एक ही होगी? सबकी कैटेगरी, जैसी कैटेगरी वैसा उसका अंजाम होगा। मुरली में बोला है नारायण को रात दिन का ज्ञान नहीं होता है, उसकी जिंदगी में दिन ही दिन होगा कि रात होगी? है दिन ही दिन होगा। तो जो रात का ज्ञान नहीं होता है
वो नारायण सतयुग का होगा या संगम युग का होगा है? जिसको रात का ज्ञान नहीं होता है, है? संगम युग में तो सब कुछ ज्ञान होता है। जो सतयुग का नारायण या देवताएं होंगे खून को नहीं होता है। बाबा कृष्ण की आत्मा जेल में सन 98 में जन्म लेती है, तब से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। तो पढ़ाई चालू होकर बीस बाईस वर्ष में सन 18 तक पूरी हो जाती है। तो कृष्ण की आत्मा सन 76 से लेकर 98 तक राम वाली आत्मा में प्रवेश करके क्या करती थी? क्या पढ़ाई नहीं पढ़ती थी? है? यहां प्रश्न करने वाले ने क्या गलती कर दी? गलती ये कर दी कि संगमयुगी कृष्ण अलग है। क्या संगमयुगी कृष्ण शरीर, उसका शरीर अलग है, और जो सतयुगी कृष्ण है उसका शरीर अलग है। जो सतयुगी कृष्ण है वो सन 76 से प्रवेश करता है, वो अधूरा चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? वो अधूरा चंद्रमा है। जो संपूर्ण चंद्रमा बन जाता है वो तो नारायण है आदिकाल से ही। 2016-18 में जो भी प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्षता होगी, वो संपूर्ण की प्रत्यक्षता होगी या अधूरे की होगी? संपूर्ण की प्रत्यक्षता होगी। सबका धीरे धीरे चलता है क्या? कोई का तीखा भी चलता है, कोई का मीडियम भी चलता है, कोई का धीमा भी चलता है, कोई का न भी चलता है। हाँ, तो पहले सीढ़ी में पहले मनन चिंतन मंत्र चलना चाहिए, तो सीधे आत्मिक स्थिति में चलना चाहिए। विस्तार में जाना चाहिए या साथ में? विस्तार में पहले या साथ में? पहले मनन चिंतन की स्टेज होनी चाहिए या आत्मिक स्थिति? बीज जब बोया जाएगा धरणी में तो विस्तार को पाना अच्छा है या बीज ही बना रहे वो अच्छा है? विस्तार को पाता जाए, विस्तार को पाता जाए। अति विस्तार जब हो जाता है तो उस विस्तार में फिर फल और फल के अंदर बीज आ जाते हैं। तो जितना हम मंथन करेंगे उतना हमारे 84 जन्मों का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, हमारी नजदीकी आत्माओं का भी हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। हर आत्मा में, हर आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है। कोई छोटा सितारा, कोई बड़ा सितारा, कोई की छोटी दुनिया, कोई की बड़ी दुनिया।
84 के चक्र में जितनी आत्माएं हमारे संसर्ग संपर्क और संबंध में आएंगी वो हमारी क्या है, हमारी दुनिया है। उस दुनिया का ज्ञान बीज रूप आत्माओं को संगम युग में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कहेंगे आत्मा पार्टधारी है, पार्टधारी आत्मा को अपने 84 के चक्र का ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा पार्टधारी बेवकूफ, उनसे जन्म लेते हैं बीज, बीजों से जन्म लेते हैं आधार, और आधार में फिर प्रवेश करते हैं वो धर्म बनाए। पूर्वज होते हैं ना, पूर्वज तो सूर्यवंशी आत्मा जो है, क्योंकि राम वाली आत्मा में तो शिव प्रवेश करता है, वो तो बीज रूप है, तो प्रवेश तो आधार में करते हैं ना धर्म बिताए। फिर सूर्यवंशी बाप में क्यों प्रवेश किया? किसने? शिव बाबा ने, जो धर्म बिताए हैं वो प्रवेश करते हैं आधार में, आधार में प्रवेश करते हैं। तो राम जो जितना ऊंचा होगा वो ऊंचे में प्रवेश करेगा या नीचे में प्रवेश करेगा? आधार में प्रवेश करते हैं धर्म पिताए, तो फिर राम को, राम की बात में वो तो बीज है, राम की आत्मा वो तो बीज है, वो आधार नहीं है। राम की आत्मा बीज है, आधार नहीं है। हाँ तो बीज में प्रवेश आधार नहीं है, तो आधार है। जो प्रवेश करने वाला है वो तुरिया है या सबके जैसा है? सब धर्म पिताओं जैसा है, तो फिर तुरिया, तुरिया में तुरिया ही कार्य करेगा ना। और जड़ होती है वो कम ताकत वाली होती है और बीज ज्यादा ताकत वाला होता है, तो शिव तो सबसे जास्ती ताकत वाला है। वो किसका आधार लेगा? कम ताकत वालों का आधार लेगा क्या? नहीं। वो धर्म पिताएं जो हैं वो अपनी बन्नी किसको आके बनाते हैं? अपना धर्म स्थापन करने के लिए है? आधार मूर्तों को धर्म रचना बनाते हैं ना अपनी। तो ऐसे ही शिव है, उसकी प्रवृत्ति किसके साथ है? शिव ज्योति बिंदु की प्रवृत्ति किसके साथ है? अरे शंकर के साथ है, इसलिए शिव शंकर गाया जाता है। और किसी देवी देवता का नाम नहीं गाया हुआ है। तो मुरली में बोला है शंकर पार्वती की जोड़ी नहीं कहेंगे, शिव शंकर की जोड़ी है। शिव है प्रवेश करने वाला और शंकर है उसका आधार। Oh, I'm sorry.